हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। प्रीवियसली मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं आपके एग्जाम की स्ट्रेटेजी को लेकर, सिलेबस को लेकर। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियोस मैंने बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली साइंस के बारे में। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो है साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे जो नॉन साइंस डिपार्टमेंट से जो स्टूडेंट हैं जिनका साइंस थोड़ा सा वीक है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बताऊंगा जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखिए, जो मैं डाटा आपको यहां पर देने वाला हूं, ये बहुत ही ज्यादा एनालाइज करने के बाद डाटा मैंने प्रिपेयर किया है। प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट हैं उनको एनालाइज किया है, उनके क्वेश्चंस को देखा है, तब ये डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। वैसे तो अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम में जो है कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सभी जगह से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे देखे जाते हैं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन 100% आता ही है। तो ऐसे में आपको टॉपिक्स यहां पर बताऊंगा। देखिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों के मैं आपको 10-10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और आपको मैं डिटेल में भी समझाऊंगा कि किस टॉपिक से आपको किस तरह से पढ़ना है। तो सिर्फ ये नाम देखकर आपको स्क्रीनशॉट लेकर जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपको जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितना आपको पढ़ना है, कहां से ज्यादा वेटेज रहता है। डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में मैं करने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं यहां पर सबसे पहले बायोलॉजी की। देखिए, बायोलॉजी का भी अच्छा खासा वेटेज यहां पर ग्रुप डी में रहता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हालांकि बताया नहीं जाता है कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजी की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देखिए, आपको जो है कम से कम 40 मेजर ब्रांचेस आपको पढ़ लेनी है, जैसे कि स्टडी ऑफ लाइट्स को क्या कहा जाता है, ऑप्टिक्स कहा जाता है, और जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स हैं, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। तो ऐसे आपको मेजर ब्रांचेस पढ़ लेनी है, कम से कम 40 मेजर ब्रांचेस आपको पढ़नी है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में सभी जगह पर जो है एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। दूसरा यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एंड साइंटिस्ट। अब मैं आपको बता दूँ, बायोलॉजी में जो आपके साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा इन्वेंशन यहाँ पर की गई है। जैसे अगर बात करते हैं कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, सेल की खोज किसने करी थी, तो ये सारे आपको जो है साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर याद होने चाहिए। कम से कम आपके 30 से 40 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट बनेंगे। प्रोटीन की खोज किसने करी थी, इंसुलिन की खोज किसने करी थी, ऐसे जो है बायोलॉजी से जुड़े बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, इन्वेंशन होती हैं, तो ये सारी इन्वेंशन आपको याद कर लेनी है। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ से भी देखने को मिलेगा। और मैं फिर से आपको बता दूं, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इनसे बाहर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आता ही है। तीसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डिजीज, यानी कि जो मानव रोग होते हैं। देखिए, बैक्टीरिया से होने वाले जितने रोग होते हैं, वायरस से होने वाले जितने भी रोग होते हैं, उन सारे रोग के आपको नाम याद होने चाहिए, उनका वाहक आपको याद होना चाहिए, उनके बैक्टीरिया का नाम याद होना चाहिए, या फिर अगर कोई वायरस से होने वाला रोग है तो उसके वायरस का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये आपको जरूर याद कर लेना है। यहां से भी एक क्वेश्चन हमेशा जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की। अब देखिए, जो मानव शरीर वाला ये टॉपिक है, इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सारे सिस्टम्स आ जाते हैं जिससे आपकी बॉडी बनी हुई है। तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये पूरा टॉपिक जो है थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना है, यहां पर आपको इसके एमसीक्यूज की फॉर्म में जो है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ह्यूमन बॉडी में आपका टॉपिक आता है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र में आपको जो है पता लगेगा कि शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है। तो ऐसे जो है क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं। हर टॉपिक से कम आपको 50-50 क्वेश्चन यहां पर याद करने हैं। बाकी अगर आप लोग उसको थ्योरेटिकली पढ़ना चाहें, यानी कि अगर आप इसको थ्योरी की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बुक से जो आप इसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये 6-7 आपके जो है सिस्टम होते हैं, इसको पढ़ने में काफी ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण। देखिए, ये वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग जो है 2 क्वेश्चन तो आपके 100% यहां से पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल भी है, क्योंकि इसमें जो आपके वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा टिपिकल है, उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एमसीक्यू की फॉर्म में आप इस टॉपिक को तैयार करें। बाकी इसमें थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में किन जानवरों को रखा जाता है, जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं, जो आपके एम्फीबियंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी आप लोग एमसीक्यू की फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं न्यूट्रिशन की। देखिए, न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषण वाला चैप्टर है, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीजें आती हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, क्योंकि लगभग 2 क्वेश्चन आपके जो है न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से भी आते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है वो आपको आगे चैप्टर्स में भी हेल्प करने वाला है। तो ये वाला चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करना है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 पेज का ये चैप्टर है, तो इसको आप थ्योरेटिकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं और काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। देखिए, जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है, आप इसको अगर पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओनली एमसीक्यू आप अगर इसके कर लेंगे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं आप 100 एमसीक्यू उसके कर लीजिए और 100 एमसीक्यू उसके कर लीजिए, तो आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन जो है यहां से कई बार पूछ ले जाते हैं। तो इस वाले टॉपिक को भी आप थ्योरेटिकल ना पढ़ के एमसीक्यू फॉर्म में अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है सेल एंड टिश्यू, यानी कि कोशिका और ऊतक। छोटे
छोटे से दोनों टॉपिक है, थ्योरी की फॉर्म में आप इसको पढ़ सकते हैं ल्यूसेंट की बुक से, साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी आप इसके लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं सेल और टिश्यू से एक एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर होता है जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी, तो इस वाले चैप्टर को भी आपको पढ़ना है जिसमें डीएनए आरएनए के बारे में बताया जाता है। और देखिए पेरेंट्स से जो आपके चैनल में जेनेटिकल कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो मेनली बायोलॉजी के 10 टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो अगर 10 नंबर की आपकी बायोलॉजी आती है तो 7 से 8 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट यहाँ पर कर जाएंगे। बाकी आप अगर इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखिए केमिस्ट्री में मैंने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जिसमें सबसे पहले आपका मेटल एंड नॉन मेटल है यानी कि धातु और अधातु है। देखिए धातु और अधातु को आपको कैसे पढ़ना है, आपको धातु की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेनी है कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो चमकदार होते हैं, मेटल्स जो है हार्ड होते हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है और इसके एक्सेप्शन कौन से होते हैं। इसी तरह से आपको नॉन मेटल भी पढ़ लेने हैं कि जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है क्या वो हार्ड होते हैं, क्या वो सोनोरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, तो इनकी जो है 10-10, 12-12 प्रॉपर्टी बनती है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद करने हैं। इसी तरह से आपके मेटल और नॉन मेटल की कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो आपको यहाँ पर जरूर याद करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मैटर यानी कि जो पदार्थ वाला आपका चैप्टर, ये आपको जरूर पढ़ना है। पदार्थ में आपका मिक्सचर, कंपाउंड, सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में आ जाता है, तो ये भी आपको जरूर पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है अम्ल, क्षार और लवण। देखिए छोटा सा टॉपिक है, 1 से 1.5 पेज का टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना है कि जो आपके इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट जो बेस है वो कौन कौन से हैं, नॉर्मल लाइफ में हम कौन से एसिड का इस्तेमाल करते हैं, कौन से बेस का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये सारा आपका इसमें आ जाते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। बात करते हैं एटॉमिक मॉडल की। देखिए एटॉमिक मॉडल वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बेसिकली 4 यहाँ पर एटॉमिक मॉडल पढ़ने हैं, डॉल्टन का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड का, थॉमसन का और नील बोर का। 4 मॉडल आपको पढ़ने हैं, 5-5 लाइन के जो है इनके मॉडल होते हैं, इनकी 5-5 पॉइंट सिर्फ आपको इनके याद करने हैं, तो इनके मॉडल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट यानी कि जो आपका परमाणु भार और जो परमाणु संख्या होती है। देखिए ये वाला टॉपिक आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ये समझना स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर जो है कैसे निकलता है, कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर्स भी आपको याद कर लेने हैं और जो आपका एटॉमिक मास होता है वो कैसे निकलता है। साथ ही यहाँ पर आपके कुछ आइसोटोप, आइसोबार, समस्थानिक ऐसे कुछ यहाँ पर टर्म्स आती हैं, तो वो टर्म्स आपको याद कर लेनी है। आइसोटॉप्स क्या होता है, अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ 1H2 लिखता हूँ तो इसमें आपका कौन सा एटॉमिक नंबर होगा और कौन सा एटॉमिक भार होगा, तो ये बातें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ग्रुप डी के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता। देखिए छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 1 या 2 पेज का टॉपिक है। यहाँ पर आपको याद करना है कि जो आपकी रेडियो सक्रियता की खोज करी थी वो किसने करी थी, अल्फा बेटा गामा रेज कैसे निकलती है, कुछ इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स आते हैं यहाँ पर वो भी आपको याद कर लें। छोटा सा टॉपिक है, ये आप पूरा पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो बॉन्ड्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो आपके कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कितने तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, 3-4 तरह के बॉन्ड होते हैं, कौन सा बॉन्ड यहाँ पर वीक बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये भी छोटा सा टॉपिक है, ये आपको जरूर पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स रहता है, वैसे तो सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं लेकिन यहाँ से जो है डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि इसको हिंदी में अपचयन और उपचयन बोला जाता है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको जरूर पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको जो है समझना होगा कि किस इक्वेशन में आपका ऑक्सीडेशन होता है, किस इक्वेशन में आपका रिडक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप कम से कम 2 से 3 नंबर अपने खो देंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल से 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद करने हैं। इन 50 क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं, जैसे कि सबसे हाई डेंसिटी वाला एलिमेंट कौन सा होता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है, सबसे पहले ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है, तो इस तरह के बेसिक से पॉइंट बनते हैं, तो ये वाला चैप्टर आपको जरूर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटल्स के ओर यानी कि जो आपकी धातु होते हैं अयस्क से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धातु का कौन सा अयस्क होता है। जैसे अगर बात करता हूँ तो मरकरी का जो अयस्क होता है वो सिनेबार होता है, तो इस तरह के आपको अयस्क यहाँ पर याद करने हैं। मुश्किल से 15 अयस्क अगर आप याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं फिजिक्स की। देखिए फिजिक्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो आपका सबसे पहला चैप्टर है जिसमें इकाई वगैरह आती है, यूनिट्स निकालना आता है, ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। कम से कम 15 से 20 यूनिट्स आपको यहाँ पर याद करनी है। इसके लिए मैंने अपने दूसरे चैनल पर जो है वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, यूनिट्स निकालना मैंने वहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ने हैं कि दूध की डेंसिटी को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको याद करनी है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की टोटल 3 इक्वेशन जो है ये आपको याद करनी है। इसके आधार पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 यहाँ पर इक्वेशन आपको याद करनी है, v = u + at, s = ut + ½at² v² = u² + k2as। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा कि कहाँ पर आपको वेलोसिटी माइनस लेनी है और कहाँ पर आपको वेलोसिटी प्लस लेनी है। साथ ही आपको न्यूटन के लॉ पढ़ने हैं, टोटल 3 लॉ होते हैं न्यूटन के। देखिए 100% इन दोनों टॉपिक को मिलाकर आपके 4 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं।
तो न्यूटन के तीनों लॉ आपको पढ़ लेने हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो न्यूटन के किस लॉ से बनता है, इनके एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए, तो ये वाले टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। देखिए जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर आपके तीन वो कंसेप्ट बनते हैं। यहाँ पर आपको टाइम का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला और हाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेसिकली जो है आपका डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि किस एंगल पर किसी वस्तु को फेंके जाने पर वो सबसे ज्यादा ऊपर जाती है या फिर सबसे ज्यादा दूर तक जाती है, वो कुछ एंगल्स आपको पता होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, जरूर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर टॉपिक है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। छोटा सा टॉपिक है, 3 से 4 पेज का, पूरा आपको पढ़ना होगा क्योंकि दो क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर जो स्मॉल जी होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसके मान में क्या डिफरेंस आता है अगर आप सतह से ऊपर जाते हैं सतह से नीचे जाते हैं, तो इस तरह के यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी लगभग 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर सरल आवर्त गति की। देखिए ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपका एक लिफ्ट वाला कांसेप्ट बनता है कि लिफ्ट अगर ऊपर जाती है तो भार में क्या चेंज आता है, लिफ्ट नीचे जाती है तो भार में क्या चेंज आता है, तो एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकता है। बाकी सरल आवर्त गति वाला जो आपका टॉपिक है, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप जरूर पढ़ लीजिए। बात करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर की, यानी कि कार्य ऊर्जा और शक्ति की। देखिए यहां से बेसिकली आपके न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और उसके आधार पर 2 से 4 आप न्यूमेरिकल भी यहां पर प्रैक्टिस जरूर कर लें क्योंकि न्यूमेरिकल यहां से पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वेव यानी कि तरंग वाला जो चैप्टर, छोटा सा चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है कि तरंग कितने प्रकार की होती है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, तो यहां पर यह टॉपिक भी आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर साउंड यानी कि ध्वनि वाला चैप्टर है, छोटा ही चैप्टर है कि ध्वनि कितनी प्रकार की होती है, किस तरह से ध्वनि जो है ट्रेवल करती है, ट्रांसवर्सल वेव क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो ये आपको टॉपिक यहां पर पढ़ लेने हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से पूछा जाता है। और देखिए फिजिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो होता है आपका लाइट यानी कि प्रकाश वाला चैप्टर। देखिए चैप्टर मैं आपको पहले ही बता दूं, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसमें आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, बहुत सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं, लेकिन ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर अगर आप छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे आप किसी थ्योरी की बुक से पढ़ें या फिर आप जो है यूट्यूब चैनल से पढ़ें, लेकिन ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। और लास्ट यहां पर बात करते हैं इन्वेंशंस की। देखिए जो फिजिक्स के इन्वेंशन होते हैं, अल्फा पेट्रोल कार का इन्वेंशन किसने करा था, आपका टीवी का इन्वेंशन किसने करा था, जितने भी फिजिक्स से जुड़े इन्वेंशन होते हैं ये आपको याद करने हैं, एक इन्वेंशन से आपका क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो गाइस मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बिल्कुल डिटेल सिलेबस बता दिया है, सिर्फ अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। बाकी देखिए साइंस में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करना होगा। अगर आप स्मार्टली स्टडी करते हैं और इस तरह से पढ़ते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है, तो 25 में से कम 20 से 22 नंबर आप डेफिनेटली गेन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।